के पित्री ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 12वें अध्याय भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं, या कह लीजिए जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं गंदी बस्तियों की समस्याएं। नगर धीरे धीरे जनसंख्या का जमघट बनने के कारण अनेक समस्याओं से घिर जाता है। वनों में जैसे विशाल वृक्षों के नीचे छोटे छोटे पौधे, घासें तथा बेलें उग आती हैं, ठीक उसी प्रकार नगरों की गगनचुंबी अट्टालिकाओं की छाया में गंदी बस्तियों की झुग्गी झोपड़ी कुकुरमुत्ते की तरह उग आती है। नगर उपनगरों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रौद्योगिक आदि कार्य करते हैं। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे महात्मा गांधी का कथन था कि भारत गांव में बसता है और गांव भारत की आत्मा है। गणतंत्र के आदर्श प्रतिरूप गांव प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न रहकर सीधा साधा जीवन यापन करते हैं। और इस प्रकार से नगरों का जीवन कृत्रिम तथा चकाचौंध करने वाला होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि नगरीय केंद्र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक कार्य करते हैं। फार्म हाउस, मॉल, उच्च अट्टालिकाएं, चौड़ी सड़कें, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, हरी पत्तियां तथा खेल के मैदान जीवन शैली में चकाचौंध उत्पन्न कर देते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि नगरों के दूसरे छोर पर झोपड़पट्टी तथा रेलवे लाइनों के सहारे ढांचे खड़े दिखाई देते हैं। झोपड़पट्टी तथा झुग्गी झोपड़ियों का यह क्षेत्र गंदी बस्ती कहलाता है, जो विविध समस्याओं का घर बना रहता है। गंदी बस्तियों की मुख्य रूप से समस्याएं इस प्रकार हैं: सघन जनसंख्या का संकेंद्रण तथा भीड़भाड़, भूमि का अभाव तथा झोपड़ियों के ऊंचे किराए। आगे है न्यूनतम वांछित आवास, एक एक झोपड़ी में 8 से 10 लोगों का निवास। आगे है जीर्ण शीर्ण आवास तथा प्रकाश एवं स्वच्छ वायु का अभाव। आगे है पेयजल, प्रकाश तथा स्वच्छता का नितांत अभाव। शौचालय, स्नानघर तथा सार्वजनिक सुविधाओं की कठिनाइयाँ, तंग गलियाँ, आग तथा अन्य दुर्घटनाओं का खतरा। और इस प्रकार से आगे है शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोरंजन का घोर अभाव, परस्पर कलह, संघर्ष तथा मारपीट। आगे है नशीली दवाओं, शराब तथा ड्रग्स का उपभोग। और इस प्रकार से गुंडागर्दी, बलात्कार, पलायन, चोरी आदि अपराधों का बोलबाला है। और इस प्रकार से लास्ट है गंदी बस्तियों के लड़के लड़कियां विद्यालय नहीं जाती, वो या तो चौराहे पर भीख मांगते हैं
या कूड़े कबाड़ से सामान बीनते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं, धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती। आइए मुंबई महानगर की गंदी बस्ती, या कह लीजिए जिसे स्लम कहा जाता है, धारावी की पृष्ठभूमि में हम लोग झांकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला है, धारावी मुंबई की ही नहीं वरन एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है। इसकी सड़कें और गलियां अतिक्रमण का शिकार हो जाने के कारण इतनी तंग और अंधेरी हो चुकी हैं कि उनमें वाहन की तो क्या कहें, पैदल प्रवेश करना भी कठिन हो जाता है। आगे है, समूची बस्ती अस्थाई है, जिसमें 2 से 3 मंजिल ऊंचे भवने बने हैं, लोहे की जंग लगी सीढ़ियां ऊपर चढ़ने का साधन है, ऊपर एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। और इस प्रकार से आगे है, धारावी विक्टोरिया लंदन के पूर्वी छोर पर स्थित औद्योगिक इकाइयों का नवीनतम नमूना है। धारावी के निर्धन श्रमिक मुंबई के धनवानों के लिए कार्य कर उनकी आर्थिक संपन्नता के आधार बनते हैं। धारावी के लोग वृक्ष रहित क्षेत्र, कूड़े कचरे के ढेरों में कौओं तथा चूहों के साथ रहते हैं। ये यहाँ मूल्यवान शिल्पकारी के सामान बनाकर दुनिया भर के धनवान लोगों के घरों को सजाते हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि धारावी सागर का वह भाग है जो कचरे के भराव से विकसित किया गया है। इस बस्ती में अनुसूचित जात तथा मुसलमान लोग लोहे की चादरों से ढके मकानों में रहते हैं। इन घरों में खाल चमड़ा शोधन का कार्य होता है। इस क्षेत्र का मुख्य विशेषता सर्वत्र फैला कूड़ा करकट है। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कि ऐसी गंदी बस्तियों के विकास की निरंतर आवश्यकता है। इन्हें पक्के व्यवस्थित आवास, सड़कें, विद्यालय तथा बाजार बनाकर लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। बालक बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलकर उनके भविष्य को संवारा जा सकता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में जब तक ऐसी गंदी बस्तियां और उनमें दयनीय जीवन जीने वाले लोग रहेंगे, सच्ची स्वतंत्रता की कल्पना करना भी दूभर है। और इस प्रकार आगे भी कह सकते हैं कि स्वयंसेवी संगठनों, स्थानीय स्वशासित संस्थाओं, राज्य तथा केंद्र सरकार को इन गंदी बस्तियों को स्वच्छ बस्तियों में बदलने की होड़ लग जानी चाहिए। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे भू निम्नीकरण। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भू निम्नीकरण, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की जनसंख्या का बढ़ता आकार कृषि भूमि पर दबाव ही नहीं बना रहा है, वरन अधिक फसलें उगाकर उसकी उर्वरता को भी छीण करता जा रहा है। इस प्रकार मृदा अपरदन, मृदा की लवणता, भूमि का क्षारीय होना, भूमि की गुणवत्ता में सेध लगाकर उनमें निम्नीकरण उत्पन्न करना,
भूमि के निम्नीकरण के लिए भूमि की उर्वरता की ओर ध्यान न देना तथा उससे निरंतर उपज लेते रहना उत्तरदायी है और इसमें भूमि निर्बल होकर अन्न उर्वरता के रोग से ग्रसित हो जाती है। और अर्थात भू निम्नीकरण भूमि की स्थायी या अस्थायी स्थिति है जिसमें भूमि की उत्पादन शक्ति घट जाती है, भूमि में अनियंत्रित प्रक्रियाएं चलाने से उसमें निम्नीकरण का रोग लग जाता है और निम्नीकरण की तीव्र प्रक्रियाओं को निम्नवत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें पहला है प्राकृतिक प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं में प्राकृतिक खड्ड, मरुस्थल, प्रसार, बंजर, चट्टानी भूमि, तटीय रेतीली भूमि तथा हिमानी द्वारा अपर्दित भूमि है। नेक्स्ट है मानव जनित प्रक्रियाएं। इन प्रक्रियाओं में जलभराव, दलदली क्षेत्र, लवणता, क्षारीयता के प्रभाव आते हैं। निम्न कोट की भूमि में झाड़ी वाली भूमि, स्थानांतरित जनित कृषि क्षेत्र, रोपण कृषि क्षेत्र, क्षारित वन, क्षारित चारागाह, खनन तथा औद्योगिक उपयोग के क्षेत्र आते हैं। देखते हैं इस प्रकार अनुभव से ज्ञात हुआ है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा मानवीय प्रक्रियाएं भूमि के निम्नीकरण के लिए अधिक उत्तरदायी हैं। इसका प्रत्यक्ष रूप से कृषि योग्य भूमि का खेती करने के योग्य न रह जाना है। बढ़ती जनसंख्या, वनों का विनाश, आवासों का निर्माण तथा नगरीकरण और औद्योगिकरण इसके लिए उत्तरदायी। इस प्रकार से आगे हम लोग केस अध्ययन में देखते हैं। आइए भूमि निम्नीकरण के लिए मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का अध्ययन एक उदाहरण या कह लीजिए केस के रूप में हम अध्ययन करते हैं, जो इस प्रकार है। झाबुआ जिला भारत के 5 सबसे पिछड़े जिलों में से एक है। यहाँ भील जनजाति समुदाय का संकेंद्रण है। यहाँ के समुदाय बेकारी और निर्धनता का दंश झेलने को विवश हैं। निर्धनता और वनों के अधिक दोहन ने यहाँ भूमि निम्नीकरण की समस्या को जन्म दिया है। और नेक्स्ट है इस समस्या के निराकरण के लिए भारत सरकार के ग्रामीण विकास तथा कृषि मंत्रालय दोनों ने ही जल संभरण प्रबंधन कार्यक्रम के लिए फंड अनुदानित किए हैं। और इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि इस अनुदान राशि से झाबुआ जिले में भूमि की गुणवत्ता सुधारने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। नेक्स्ट है इस कार्यक्रम में भूमि जल तथा वनस्पतियों आदि प्राकृतिक संसाधनों के बीच प्रबंधन तथा सामुदायिक सहभागिता की नींव रखी है। अगला पॉइंट है ग्रामीण मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी मिशन क्रियान्वित जल संभरण प्रबंधन ने अकेले झाबुआ जिले की 28% भूमि का उपचार किया है। और नेक्स्ट है झाबुआ जिले का पेटला बाड विकास खंड सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों की साझेदारी से जल संभरण प्रबंधन का प्रतीक बन गया। और इस प्रकार से आगे देखते हैं इस क्षेत्र की साझी प्राकृतिक संपदा पुनः जीवित हो गई है। समुदाय ने वृक्षारोपण तथा चारागाहों की
सुदृढ़ व्यवस्था जुटा ली है और इस प्रकार आगे हम कह सकते हैं कि समुदाय द्वारा विकसित वन क्षेत्र तथा चारागाह भविष्य में उनके पशुओं का सतत पोषण करने में सक्षम होकर इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में चार चांद लगा दे। आगे है सामुदायिक चारागाह पर अतिक्रमण होते ही गांव के लोगों ने तहसीलदार के माध्यम से उसे अतिक्रमण मुक्त करवा लिया। इस प्रकार से आगे है समुदाय ने अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को अपने समूह का सदस्य बनाकर यह संघर्ष सदैव के लिए हल कर दिया। और इस प्रकार झाबुआ भू निम्नीकरण की समस्या को हल करने वाला एक सुंदर उदाहरण या कह लीजिए केस बन गया। यह प्रेरणा का स्रोत बनकर अन्य क्षेत्रों से भी इस समस्या के हल करने का आदर्श बन गया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।